वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जनपद भर में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के अभियान में छाता पुलिस ने एक सफारी कार से चेकिंग के दौरान 40 अवैध पेटी देसी शराब की बरामद की है। इसके साथ ही छाता पुलिस ने गोविंद पुत्र सतवीर निवासी सुदाली थाना जुलाना हरियाणा को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ अवैध रूप से शराब तस्करी करने के संबंध में कानूनी कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेजा गया। इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता के दौरान छाता कोतवाली इंस्पेक्टर रमेश भारद्वाज ने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि आज चेकिंग के दौरान एक सफारी कार को रोका गया और उसमें से 40 पेटी अवैध देसी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित लागत 1,20,000 रुपए बताई। जेल भेजा गया था क्या मामला? एक व्यक्ति हमारे यहाँ पकड़ा गया है, मैं सफारी कार के 40 पेटी हरियाणा मार्का की देसी लेकर के जा रहा था, वो उसको अरेस्ट किया गया है। उसके पास से 40 पेटी शराब हरियाणा मार्का और सफारी कार मिली है। कहाँ से लेके आ रहा था शराब कार? वो जींद हरियाणा से लेके आ रहा था, वो रहने वाला भी वहीं का है, उसका नाम है गोविंद सन ऑफ सतवीर, ये गांव सुदाली है जींद में। कहाँ सप्लाई करने जा रहा था? ये आगरा जा रहा था, उनको उतारने और यहाँ चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। कितने बजे की ये घटना? आज कल शाम की 6:30 बजे शाम की है। सर और भी लोग हैं ऐसे अभी, क्योंकि बार बार चेकिंग की जा रही है, ये लोग पकड़े भी जा रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों पर ऐसे लगाम क्यों नहीं लगाया? देखो चेकिंग में पकड़े जाते हैं चूँकि ये लोग बाहर से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, और ये लोग यूपी में सप्लाई करते हैं चूँकि यहाँ सस्ती है, चेकिंग में पकड़े जाते हैं, ये स्थायी नहीं हमारे लिए। क्योंकि अपने क्षेत्र में नहीं ये डिलीवरी थी, ये आगरा जा रही थी, जब अपने क्षेत्र में भी कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की है, उनको भी पकड़ा है हमने। कितनी कीमत रही होगी शराब की? कितनी शराब? एक शराब की कीमत करीब 1,20,000। कितने पेटी? 40। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।